हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 6, चैप्टर 3, प्लेइंग विद नंबर्स, एक्सरसाइज 3.5। हियर क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ओके, अगर कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो क्या है, फॉल्स है। क्यों? अगर हमने एक नंबर कंसिडर किया 15, ओके, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यस 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, है ना, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ओके, नाउ दिस इज ऑपोजिट। अगर कोई नंबर है वो 9 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा 3 से भी। ओके, तो हम इसको देख चुके हैं ऑलरेडी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज है उसमें देखा हुआ है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अदर नंबर देन द नंबर इज डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ दैट अदर नंबर। ओके, Here the other number is 9, okay? तो अगर 3 is its factor, so that number is divisible by 3 also, है ना? यहाँ पे अगर कोई मानो number है x, okay? और वो divisible है 9 से, okay? ये divisible है 9 से, ठीक है? अगर ये 9 से divisible है, तो हमें पूछा गया है कि क्या वो 3 से भी divisible होगा? तो होगा, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो इस नंबर के जो फैक्टर्स आएंगे, 9 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 इटसेल्फ, तो वो फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, x से x इज डिविजिबल बाय द फैक्टर्स आल्सो ऑफ दैट अदर नंबर, है ना? ये भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद सी देखते हैं हम। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। यहाँ पे पूछा है कि एक नंबर है वो 18 से डिविजिबल है अगर वो डिविजिबल है किससे, 3 और 6 दोनों से भी। ओके, वो नंबर 3 और 6 दोनों से भी अगर डिविजिबल है तो वो 18 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? हम एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं कि सपोज 24 ये एक नंबर है, ठीक है, 24 एक नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, दोनों से भी है। 3 एंड 6 आर देयर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 24, लेकिन क्या 18 से 24 एग्जैक्ट डिविजिबल है? नहीं, 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है कि अगर कोई नंबर 18 से भी डिविजिबल, एक नंबर 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा अगर वो 3 और 6 दोनों से भी डिविजिबल है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, अब हम डी पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ये हमें बस जो कंडीशन से इनको समझना है। यहाँ पे दिया गया है अगर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, अगर कोई नंबर है वो 9 और 10 से दोनों से भी एक ही वक्त में डिविजिबल हो रहा है, देन तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमें पता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स,
then that number is divisible by the product of the two co-prime numbers, है ना। यहाँ पर हमें पता है कि 9 और 10 दोनों भी क्या है, co-prime numbers है। 9 के factors क्या आएंगे, 9 के factors क्या आएंगे, 1, 3 and 9 itself, right? और 10 के factors क्या आएंगे, 1, 2, 5 and 10 itself। अगर आप दोनों में भी देखोगे तो सिर्फ 1 एक common factor आ रहा है, number 1, है ना। तो इसका मतलब 9 और 10 दोनों क्या है, एक दूसरे को co-prime है। अगर ये दोनों को प्राइम है तो हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का, 90 आएगा। तो 90 जो नंबर आएगा वो 90 से डिविजिबल होगा कि नहीं, यस देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ठीक है, यहाँ तक होप सबको समझ में आ गया है। उसके बाद हम ई पार्ट देखते हैं। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, At least one of them must be prime। यहाँ पे देखो, अगर कहते हैं कि दो numbers हैं वो co-prime हैं, okay? तो वहाँ पे at least एक number होगा जो prime होगा। Prime numbers हमें पता है कि उसके factors सिर्फ क्या होगा, 1 and the number itself, okay? तो अगर दो number कोई भी co-prime है तो उसमें से एक ज़रूर prime number होगा। क्या ये सही statement है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद रीजन। लेट 9 and 10 आर टू नंबर्स, ओके। 9 क्या है, हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3 into 3, और 10 को 2 into 5। फैक्टर्स ऑफ 9 लिख दिए, फैक्टर्स ऑफ 10 लिख दिए, ओके। यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं आर बोथ को प्राइम नंबर्स, यस दोनों नंबर को प्राइम है, और उनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में वो क्या है, सिर्फ नंबर 1 है, है ना। तो दोनों में ये एक नंबर कॉमन आ रहा है, ये दोनों नंबर को प्राइम है, लेकिन अगर आप इनके फैक्टर्स देखोगे तो क्या 9 आपका को 9 आपका प्राइम नंबर है, नहीं 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 and number itself ही उसके फैक्टर्स नहीं है, 3 भी फैक्टर है। 10 को देख लो, 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 और 10 ये दो ही इसके फैक्टर्स नहीं है, यहाँ पे 2 और 5 भी इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये दो नंबर 9 और 10 एक दूसरे को co-prime है, लेकिन ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ओके। अब हम एफ पार्ट को देखते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे बोला गया है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो डेफिनेटली 8 से भी डिविजिबल होने ही चाहिए। ये यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये सही है या गलत है, ओके। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। मानो 20 ये नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, लेट नंबर बी 20। तो 20 इज डिविजिबल बाय 4, यस 4 5s are 20, लेकिन क्या ये नंबर 20 नंबर 8 से डिविजिबल है, नहीं, ये इसका एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये गलत है, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे कह रहे हैं ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अब पहले जो दिया गया था उसका ये क्या है, ऑपोजिट पूछा है कि यहाँ पे अगर सारे नंबर्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, 4 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल होने चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कोई नंबर है, ओके, कोई भी नंबर ले लो और वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली उसके फैक्टर्स से भी ये नंबर डिविजिबल होगा,
है ना। मानो ये नंबर आपका एक्स है, ओके, ये जो नंबर है वो आपका एक्स है और ये डिविजिबल बाय एट है, एट से डिविजिबल है, तो फोर से, क्या ये फोर से डिविजिबल होगा हमेशा? तो ये कंडीशन ट्रू क्यों है? क्योंकि फोर जो है वो आपका एट का फैक्टर है। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो जाएगा। होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एच पार्ट को देखते हैं। एच पार्ट में बोला गया है कि इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, ओके, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये हमें पूछा गया है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक नंबर है वो दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स का जो सम है उसको भी क्या वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी को देख चुके हैं, उसमें हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे कैसे। मानो कि 30 ये नंबर है, ओके, ये 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स 30 एंड 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स 15 ऑल्सो, यस। तो क्या 5 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा? तो जो 30 प्लस 15 ये सम कितना आया, 45, है कि नहीं। तो 5 9 45, तो 5 इस सम को, इस एडिशन को, 45 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब ई पार्ट हमें कह रहा है, सॉरी आई पार्ट हमें पूछ रहा है कि इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर्स सेपरेटली। ये इसका ऑपोजिट है। उन्होंने पूछा है कि अगर, जैसे मैं एग्जाम्पल यही वाला लेकर के बताती हूँ, यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स 30, 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स 15 और जो फिर इन दोनों का सम आएगा तो उसको भी 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स, ये कहा गया है। अब उसका उल्टा क्या पूछ रहे हैं कि अगर कोई एक नंबर है ना, तो वो अगर दो नंबर्स के सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो ये नंबर, ये दोनों सम, मतलब जो नंबर्स हैं उनको भी डिवाइड करेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर हम इसका उल्टा जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ओके, कैसे? तो हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। मान के चलो कि जो नंबर 11 है, ओके, हम 11 नंबर लेते हैं, वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है 22 को, है ना। हमने यहाँ पे तीन नंबर कंसीडर किए, 22 और 22, ओके, मैं इन दोनों का एडिशन हो गया 22 और मैं कंसीडर करती हूँ नंबर 11, राइट। तो 11 ये नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है 22 को, ओके, 11 टू जार 22, है ना। लेकिन 22 हमने यहाँ कैसे बनाया है, दो नंबर्स कौन से हैं, 20 और 2, तो क्या 11 20 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली? नहीं करता। क्या 11 2 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली? नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं 11 एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम 22 और एडिशन 22, बट 11 डज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर्स, दैट इज 20 and 2 separately, okay, hope this is also clear. So here ends our question number 1.